हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर, और ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हमने जनरल ट्री की डिफिनीशन और ट्री के क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, नोड क्या होता है, एज क्या होती है, हाइट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। इन सब के बाद हम लोगों ने एक ट्री का एक स्पेशल केस जिसको हम लोगों ने बोला था बाइनरी ट्री, हम लोगों ने बाइनरी ट्री स्टार्ट किया था। बाइनरी ट्री ट्री का एक स्पेशल केस है जिसमें किसी भी नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं। अब मैक्सिमम दो का मतलब ये है कि या तो उसके जीरो चाइल्ड होंगे, या तो एक होंगे, या तो दो हो सकते हैं, मैक्सिमम दो हो सकते हैं। तो मैक्सिमम डिग्री दो हो सकती है जिस ट्री की, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ट्री। अब हमें देखना है इस लेक्चर में बाइनरी ट्री के वेरियंट्स या टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, किस किस टाइप की बाइनरी ट्री होती है, नोड्स के पोजिशन पे, एक्चुअली नोड्स की कहाँ पे पोजिशनिंग है, किस तरफ से नोड्स का ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे बेस्ड बाइनरी ट्री के टाइप्स या हम उसको वेरिएंट्स बोलते हैं जो वो बनते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में यही देखने वाले हैं वेरिएंट्स को डिटेल में। वेरिएंट्स देखने से पहले एक चीज़ हम लोग देखेंगे जरा कि बाइनरी ट्री में लेवल या डेप्थ या हाइट अगर बढ़ती है तो किस तरीके से नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते हैं उसमें, या नंबर ऑफ नोड्स या डेप्थ के बीच में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। इसको हम डिटेल में प्रूफ इसका हम किसी और लेक्चर में करेंगे, अभी हम थोड़ा सा एक रिलेशन देख लें बिकॉज आगे यूज होगा, तो हम इसको पहले सबसे देखेंगे। तो आइए चलिए हम लोग ये लेक्चर डिटेल में स्टार्ट करें। तो आइए हम लोग देखें पहले कि ट्री के लेवल और नंबर ऑफ नोड्स में क्या रिलेशन होता है। जैसे अगर हम ये बोलें कि ये कोई बाइनरी ट्री है, सपोज करिए, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे ऐसे हम लोग बना ले रहे हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं। जैसे सपोज करिए ये लेवल है जीरो, ये जीरो लेवल है, तो यहाँ नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स ये कितने हैं, ये नंबर ऑफ नोड्स है वन, ये लेवल है वन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं टू, ये लेवल है टू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं फोर, फोर वन टू थ्री फोर, इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये लेवल है थ्री, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी कि एट। अब अगर आपको सही से दिख रहा हो तो इस नंबर ऑफ नोड्स को हम लोग जरा अगर सही से अरेंज करके लिखें टू की पावर में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये टू की पावर जीरो है, ये टू की पावर वन है, ये टू की पावर टू है, और ये टू की पावर थ्री है। तो अगर ये आपको दिख रहा हो तो हम टू की पावर में कर सकते हैं, यानी कि लेवल जीरो पे, लेवल जीरो पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं टू की पावर जीरो। अच्छा, ये हर लेवल पे मैक्सिमम हमने बना रखा है पहले से, हर लेवल पे मैक्सिमम बना रखा है, कहीं पे कोई पॉसिबिलिटी छोड़ी नहीं है, और नोड उस पर्टिकुलर लेवल पे और नोड इंसर्ट नहीं हो सकते। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स और लेवल के बीच में ये रिलेशन हमें मिल गया कि आईएथ लेवल पे किसी बाइनरी ट्री में अगर हम बोलें कि आईएथ लेवल है तो उस लेवल पे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, तो आप सीधे सीधे आंख बंद करके क्या बताएंगे, टू की पावर आई। किसी बाइनरी ट्री में आईएथ लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स टू की पावर आई। आप यहां से अगर निकालना चाहें, जैसे इसका सम अगर हम बोलें एन है, तो इस नंबर ऑफ नोड्स और किसी ट्री की मैक्सिमम हाइट क्या होगी या मैक्सिमम लेवल क्या जाएगा, आप ये भी निकाल सकते हैं। अगर ये जैसे सपोज करिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से करते करते, और ये टोटल ये एक जीपी बन रही है, और जीपी के एंड टर्म्स का सम आप निकाल दें इस तरीके से, अगर आपको फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से लेवल्स और नंबर ऑफ नोड्स में रिलेशन निकल आएगा। ये आप निकाल लीजिएगा, या मैं कभी और किसी और लेक्चर में ये डेरिवेशन की बात करूँगा, अभी मेरा आज ये कंसर्न नहीं था, अभी आज हमें वेरिएंट्स पढ़ना है। आप खुद से भी कर सकते हो, ये इतना आसान है, जीपी के एंड टर्म्स का सम निकाल कर उसको कंपेयर करना, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें वेरिएंट्स में,
बाइनरी ट्री के, तो जो सबसे पहला वेरिएंट्स है वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहती है? कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलती है कि जो कोई लेवल है, कोई नोड है आईएथ लेवल पे, अगर कोई नोड है आईएथ लेवल पे तो उसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो 2 × ith लेवल पे होगा, और उसका जो आईएथ लेवल के नोड का लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो 2 × i पे होगा लेफ्ट चाइल्ड जो होगा, और जो राइट चाइल्ड आईएथ का राइट चाइल्ड जो होगा वो होगा 2 × i+1 पे, यहां पे होगा राइट चाइल्ड। और जब तक कोई पर्टिकुलर लेवल फुल नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग उसके नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते। जैसे अगर हमें बनाना हो तो क्या ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है? अगर हम देखना चाहें तो ये जो, अगर हम बोलें ये लेवल वन है तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए था इधर होना चाहिए था और ये राइट चाइल्ड बना हुआ, जो लेफ्ट की साइड होता है उसको लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं, जो राइट की साइड होता है वो राइट चाइल्ड होता है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है बिकॉज नोड्स की फीलिंग जो है, देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाते वक्त हमेशा ये एल को ध्यान में रखिएगा, एल मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, नोड्स की जो फीलिंग होगी टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे अगर इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री दो नोड की कंप्लीट, एक नोड की ये एक नोड बना है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है ये, हाँ ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि इसमें एक ही नोड है और वो अपनी पोजीशन पे है। अब अगर एक नोड और बढ़ाएं तो हमें सबसे पहले ये नोड बनाना पड़ेगा, ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है दो नोड की। अगर हमें तीन नोड की कंप्लीट बाइनरी ट्री बनानी है तो ये बनेगी, चार नोड की कंप्लीट बाइनरी ट्री बनानी है तो ये बनेगी, पांच नोड का, जब तक लेफ्ट में फुल ना हो जाए तब तक हम राइट में नहीं जाते, जब तक किसी पर्टिकुलर लेवल पे ना फिल हो जाए तब तक हम लोग नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर इसमें से एक केवल वायोलेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री उसको हम लोग बोल देते हैं। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो कोई दोनों में से जैसे टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में से एक कंडीशन का सेटिस्फाई नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, मतलब इसमें अगर एक चीज हम ऐड कर दें तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री बन जाएगी। तो पहला तो ये वेरिएंट था। अच्छा ये अगर कोई इसकी पूछे मैं जरा ये बना दूं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं है? है, ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि इसमें भी सारे टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट नोड्स की फीलिंग हो रही है। इसके बाद है कंप्लीट बाइनरी ट्री के बाद है जो वेरिएंट, उसको हम लोग बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री बोलता है कि अगर किसी बाइनरी ट्री में टोटल आई लेवल हैं, टोटल आई लेवल हैं, तो हर लेवल पे एग्जैक्ट, ये बोलता है क्या, हर लेवल पे एग्जैक्ट, ना एक कम ना एक ज्यादा, हर लेवल पे एग्जैक्ट 2 की पावर i नोड्स होने चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री, अगर एक नोड की फुल बाइनरी ट्री बनानी हो तो ये होगी, दो नोड की फुल बाइनरी ट्री पॉसिबल नहीं, दो नोड की फुल बाइनरी ट्री पॉसिबल नहीं है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है बट फुल बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि हर लेवल पे एग्जैक्टली, अगर कोई पर्टिकुलर लेवल एग्जिस्ट करता है तो उस पर एग्जैक्टली 2 की पावर i नोड होने चाहिए। यहाँ पे ये लेवल 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 0 नोड है, लेकिन ये लेवल 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 नोड कहाँ है? नहीं है। तो अगर इसको आपको फुल बाइनरी ट्री बनाना है तो ये वाला नोड इंसर्ट करना पड़ेगा, अब जाके ये फुल बाइनरी ट्री है। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट लेवल बनाना हो तो ये, अब ये हो गया तो फिर अब ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है जब तक सारे नहीं आ जाएंगे। अगर इस लेवल को कंप्लीट करना है आपको, फुल बाइनरी ट्री इसको बनाना है तो सारे नोड्स की एंट्री करनी पड़ेगी। ये लेवल 2 है, लेवल 2 पे मैक्स ऑल एट एग्जैक्ट कितने नोड्स होने चाहिए, 2 की पावर 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री। अब यहां से देखिए एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने बनाया लास्ट में कि ये भी, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और ये एक फुल बाइनरी ट्री भी है। तो अगर कहीं आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री का कंपैरिजन आ जाए तो आप थोड़ा अलग अलग बनाएंगे, ये नहीं कि फुल बाइनरी ट्री, अरे जो फुल बाइनरी ट्री है वो हर ट्री के कंडीशन
हर ट्री उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, लेकिन फुल बाइनरी ट्री दूसरे ट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो अगर हम ये कहें कि एवरी फुल बाइनरी ट्री, हर फुल बाइनरी ट्री एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होगी, तो होगी, लेकिन हर कंप्लीट बाइनरी ट्री एक फुल बाइनरी ट्री है ये जरूरी नहीं है। हर कंप्लीट बाइनरी ट्री एक फुल बाइनरी ट्री हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये वाला ट्री जो है ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है बट फुल बाइनरी ट्री नहीं है। इसको फुल बाइनरी ट्री बनाने के लिए हमको ये वाले नोड भी ऐड करने पड़ेंगे। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री लेफ्ट टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट नोड की फीलिंग होती है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग लेफ्ट नोड को रखना चाहते हैं, लेफ्ट वर्ड की तरफ रखना चाहते हैं। जो फुल बाइनरी ट्री होता है उसमें टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट नोड की फीलिंग तो होती है बट हर लेवल पे एग्जैक्ट मैक्सिमम नोड्स होंगे तभी हम उसको फुल बाइनरी ट्री बोलेंगे, अदरवाइज वो फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली चीज है। जब एग्जाम में दोनों आता है तो दोनों में सेम ही बना के चले, जब कंप्लीट पूछा जाए तो आप उसमें कंप्लीट बनाइएगा ना, फुल बना के क्यों कंफ्यूज होना है। तो इस चीज को जरा आप लोग ध्यान रखिएगा ट्री में, स्पेशली वेरिएंट्स में। नेक्स्ट वेरिएंट है हमारा जो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री हम लोग उसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री या इसको कहीं कहीं पे बुक में दिया हुआ है, कुछ बुक्स में टू ट्री या कहीं कहीं पे आता है टू ट्री, तो ये एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री ही टू ट्री है। टू ट्री कहिए या एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, एक ही एक्सटेंड क्या करते हैं हम लोग ही। जैसे टू ट्री कहने का मतलब पहले क्या है, टू ट्री कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नोड के चाइल्ड होंगे, अगर किसी नोड के चिल्ड्रन होंगे तो दो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो कितने, या तो जीरो चाइल्ड या तो टू चाइल्ड, वन चाइल्ड वाले नोड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग टू ट्री बोलते हैं, जीरो या टू। एक्सटेंड क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक्चुअली जब हम लोग हफमैन कोडिंग इस तरीके से पढ़ेंगे तो वहां पे यूज हो जाएगा। दो तरीके की नोड, एक तो इंटरनल नोड होती है और एक एक्सटर्नल नोड होती है। जो इंटरनल नोड होती है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में, जो इंटरनल नोड होती है उसको हम लोग ये सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्सटर्नल नोड होती है उसको हम लोग ये स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीके के नोड्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोलने का मतलब है जो लीफ है उसका एक भी चाइल्ड नहीं होगा, इंटरनल बोलने का मतलब है कि उसके दो चाइल्ड होंगे। तो जैसे अगर हम बनाएं ये एक नोड, ये एक ट्री हम बना रहे हैं, और आप लोग देख के बताइएगा वीडियो पॉज करके कि ये एक फुल बाइनरी ट्री सॉरी टू ट्री है या नहीं है, ये एक टू ट्री है या नहीं है, ये हमने बनाया और ये हमने बनाया। तो अब देखिए यहां पे जो भी इंटरनल नोड्स हैं जिसके अगर चाइल्ड हैं तो दो हैं, इसके दो चाइल्ड हैं और इसके दो चाइल्ड नहीं है तो जीरो है, तो ये एक टू ट्री है, ये एक टू ट्री है, ठीक है। अब अगर जैसे हम ये बनाएं, सपोज करिए कि यहां से बनाते हैं, ये एक नोड है और ये एक नोड है, ये इसका चाइल्ड ये और इसका चाइल्ड ये और इसका चाइल्ड चलिए बताइए ये एक टू ट्री है या नहीं है, कहां पे क्या दिक्कत है। देखिए यहां पे ये एक नोड है ये वाली जिसका केवल एक ही चाइल्ड, हमने बताया टू ट्री में चाइल्ड होंगे तो दो होंगे, नहीं होंगे तो जीरो होंगे, एक तो ये भी। और यहाँ पे अगर एक्सटर्नल इंटरनल नोड को कंसीडर करें तो ये एक एक्सटर्नल नोड होना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था और वैसे बना दिया, तो हमने ये दो चीजें इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। बट जो मेन कंसर्न है वो ये है कि ये एक टू ट्री नहीं है बिकॉज यहाँ पे दो नोड होने चाहिए थे, एक और नोड होना चाहिए था और एक ही नोड है, तो ये एक नॉट अ टू ट्री। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। जैसे अब अगर हम बनाना चाहें तो
अगर ये बना दें हम, ये टू ट्री है या नहीं है, आपसे कोई पूछ ले ये वाली, तो अब देख के बताइए ये टू ट्री है या नहीं है। वीडियो को पॉज करिए, देखिए और बताइए ये टू ट्री है, ये टू ट्री है हर नोड का, अगर चाइल्ड है तो दो नोड। अब फिर से अगेन, एक जो फुल बाइनरी ट्री होगा, जो अभी हम बता रहे थे फुल बाइनरी ट्री होगा, वो टू ट्री होगा ही होगा, क्योंकि हर फुल बाइनरी ट्री के हर नोड के दो चाइल्ड होते हैं या तो जीरो चाइल्ड होते हैं। लेकिन कोई हर टू ट्री जरूरी नहीं है कि फुल बाइनरी ट्री हो ही, क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि हर लेवल पे, जरूरी नहीं है कि इसमें मैक्सिमम, बिकॉज ये जो है ये एक टू ट्री है, बट हर लेवल पे मैक्सिमम नोड नहीं है। इस लेवल पे ये लेवल टू था, यहाँ पे फोर नोड्स होने चाहिए थे, यहाँ पे टू नोड है, ये लेवल थ्री है, यहाँ पे एट होने चाहिए थे, यहाँ पे टू है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर टू ट्री जो है फुल बाइनरी ट्री हो, बट हर फुल बाइनरी ट्री टू ट्री तो होगा ही होगा। तो फुल बाइनरी ट्री तो रामबाण है कि हर ट्री फुल बाइनरी ट्री में जाके समा ही जाएगी। एक तरीके से फुल बाइनरी ट्री है जो समंदर है, और ये बाकी जो उसके वेरिएंट्स हैं ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर जो होती हैं वो हैं। तो सारी नदियों को जाके फाइनली मिलना समंदर में ही है, बट समंदर फिर भी नदी नहीं होता, ये समझ लेने के लिए आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक और भी चीज है, जरा यहाँ पे हम लोग देख लें कि जैसे नंबर ऑफ इंटरनल नोड और इंटरनल नोड, सॉरी नंबर ऑफ इंटरनल नोड और नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड के बीच में रिलेशन निकालें। ये एक टू ट्री था और ये एक टू ट्री था, ये दोनों टू ट्री हैं। तो यहाँ पे इंटरनल नोड कितने हैं? इंटरनल नोड है 1, 2 और एक्सटर्नल नोड कितने हैं? 1, 2, 3, यानी कि 2 और 2+1। और यहाँ पे इंटरनल नोड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 है इंटरनल नोड, और एक्सटर्नल नोड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 4+1, 5। सबसे कम, जैसे जो सबसे छोटा टू ट्री बनेगा वो ये होगा, जिसमें एक इंटरनल नोड और दो एक्सटर्नल नोड, यानी कि 1 और 2, यानी 1+1। यानी कि अगर किसी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में या टू ट्री में अगर नंबर ऑफ इंटरनल नोड n है, तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड कितने होंगे? n+1। ऐसे कहीं हल्का फुल्का छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे चिपका दिया तो वो ज़्यादा आपको कष्ट ना हो, तुरंत ही सॉल्व हो जाए, तो इसके लिए आप के ये काम आएगा, नोट में करके लिख लीजिए कि किसी भी टू ट्री या एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल नोड्स के बीच में रिलेशन होता है कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरनल नोड प्लस वन। अगर इंटरनल नोड एन है तो एक्सटर्नल नोड होगा n+1। यहाँ से हम लोग ये देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वेरिएंट, एक हम लोग के ये भी आता है इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री, इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री देख लेते हैं जरा हम लोग ये क्या होता है इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री। एक्चुअली हम अगर किसी बाइनरी ट्री में नोड्स की नंबरिंग करें तो कोई भी बीच का नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, अगर मिसिंग है तो वो नोड जो है वो एक इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए यहाँ पे हमने ट्री बना रहे हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, उसके बाद ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे होना चाहिए था 11, अगर हम मान लीजिए सपोज करिए ऐसे बना दें यहाँ 12, 13, और फिर इधर अपना जो भी बनाए चाहे ना बने। तो ये जो है ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री है, बिकॉज नोड 11 जो है होना चाहिए था यहाँ पे, वो नोड मिसिंग है। इस नोड 11 जो है नोड 5 का राइट चाइल्ड होना चाहिए था, वो एक मिसिंग है, इसलिए ये जो है ये एक इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वेरिएंट है वो है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री ये बोलता है
कि किसी नोड के अगर चाइल्ड होंगे तो दो होंगे, नहीं तो जीरो होंगे। ये कुछ कुछ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री वाला, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री से अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल नोड का कॉन्सेप्ट हटा दें तो जो टू ट्री होगा वो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी बन जाएगा। तो ये बोलता है कि या तो चाइल्ड होंगे, स्ट्रिक्ट बाइनरी, स्ट्रिक्ट है बाइनरी पे, कहाँ पे स्ट्रिक्ट है, बाइनरी पे, कि अगर चाइल्ड होंगे तो दो होंगे नहीं तो नहीं होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम ट्री बना लें ऐसे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री को, क्योंकि इसमें अगर किसी नोड के चाइल्ड हैं तो दो हैं, नहीं है तो फिर नहीं है। अब इसमें स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री और टू ट्री में या एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में मेन डिफरेंस यही है कि वहां पे इंटरनल एक्सटर्नल नोड का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल नोड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज से हमें मतलब है कि चाइल्ड हो तो दो हो, ना हो तो ना हो। अब फिर अगेन स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री जो है, एक फुल बाइनरी ट्री जो है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होगी, बिल्कुल होगी। फुल बाइनरी ट्री में भी हर नोड के या तो जीरो चाइल्ड होते हैं या तो दो चाइल्ड होते हैं, लेकिन हर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री जरूरी नहीं है कि फुल बाइनरी ट्री हो, बिकॉज ये हमने बना रखा है कि स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, लेकिन ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, बिकॉज इस लेवल पे ये लेवल थ्री है, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स, ये लेवल सॉरी टू है, लेवल टू है, नंबर ऑफ नोड्स फोर होने चाहिए थे और नंबर ऑफ नोड टू है, ये लेवल थ्री है, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स एट होने चाहिए थे और यहाँ पे टू नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो अगेन आप ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कभी कभी कहीं पे आ जाता है ऐसा कि एसक्यूड बाइनरी ट्री क्या होता है, SKEWED, एसक्यूड बाइनरी ट्री। एसक्यूड बाइनरी ट्री क्या होता है, एसक्यू बाइनरी ट्री कहने का मतलब ये है कि नोड्स का जो ओरिएंटेशन है केवल या तो लेफ्ट 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 हो या तो राइट 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 हो। तो ये जो एस्क्यूड बाइनरी ट्री होती है ये अपने आप में दो तरीके की होती है, एक तो लेफ्ट एस्क्यूड हम लोग बोलते हैं उसको, लेफ्ट एस्क्यूड बाइनरी ट्री, और दूसरा है राइट एस्क्यूड बाइनरी ट्री, राइट एस्क्यूड बाइनरी ट्री। क्या होते हैं, लेफ्ट एस्क्यूड बाइनरी ट्री जो होता है उसमें हर नोड का लेफ्ट चाइल्ड ही होगा, केवल हर नोड का लेफ्ट चाइल्ड होगा, जो भी नोड आएगी वो लेफ्ट में ही जाते जाएगी। तो लेफ्ट 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 इस तरीके से एक चेन टाइप की बन गई, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एस्क्यूड। उसी तरीके से राइट एस्क्यूड जस्ट इसका मिरर इमेज, ट्री में मिरर इमेज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। मिरर इमेज कहने का मतलब ये है राइट राइट राइट, हर नोड का केवल राइट राइट। मिरर इमेज कहने का मतलब है कि इसको अगर आप ऐसे बीच में शीशा रख देंगे ऐसे, तो ठीक यही इमेज बनेगी, ये यही इसका मिरर, ये इसका मिरर इमेज ये और इसका मिरर इमेज ये, बीच में अगर आप आईना रख देंगे तो ऐसा बनेगा। तो ये सारे हैं ट्री के वेरिएंट्स। अब जैसे अब ये ट्री को अगर मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा, अब मेमोरी को तो हम तोड़ के ट्री के फॉर्म में बनाएंगे नहीं, तो ट्री को अगर मेमोरी में रखना तो है ही, अगर आप ट्री बनाएंगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर की मेमोरी में ही रखेंगे, बाहर हवा में तो उसको लटका के रखेंगे नहीं। तो ट्री को अगर मेमोरी में रखना है तो किस तरीके से हम रखेंगे, ये हमें अब आगे देखना है। तो हम लोग इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है ट्री का ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये वीडियो स्पेशली आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है कहीं पे, किसी ट्री में किसी टाइप में कन्फ्यूजन रह गया है, तो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि वो आपका कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग कैसे ट्री को मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे इसके साथ। तब तक के लिए